आज का महानगर में आपका स्वागत है। भाजपा के नेता नितेश राणे, जो कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, काफी सारे हेट स्पीच के मामले इन पर दर्ज है, परंतु कार्रवाई का कुछ ठिकाना नहीं है, तो आज हम आपको उनका एक और वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए, ट्रॉम्बे चीता कैंप पहली पड़ा के एक मंदिर में यहाँ पर नितेश राणे पूजा करने आए थे। शाम के समय चीता कैंप में आने के बाद नितेश राणे ने फिर एक बार मुसलमानों पर आरोप लगाया कि नवरात्रि का उत्सव मनाने में रुकावट डाली जाती है, हिंदू समाज के लोगों को परेशान किया जाता है, जिसके चलते मुसलमानों को धमकाते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने महाआरती करूंगा, मुस्लिम इलाकों में आकर गरबा करूंगा। और एक मुस्लिम पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि आप तो पहले सेक्युलर नेता थे, मुसलमानों के प्रति आपका रवैया अच्छा था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आप मुसलमानों से इतनी नफरत करने लगे हो, तो देखिए किस प्रकार नितेश राणे ने उसे धमकाते हुए जवाब दिया है। नितेश राणे के इसी रवैये के चलते दिन के समय ही चीता कैंप के कुछ समाज सेवियों ने जमियत के लोगों ने ट्रॉम्बे पुलिस को ज्ञापन देकर नितेश राणे के आने पर रोक लगाने की मांग की थी, परंतु पुलिस ने आश्वासन दिया, फिर भी नितेश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ फिर से जहर उगला। आमच्या इकडचा हिंदू समाज, आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये जसा प्रत्येक हिंदू नवरात्र साजरा करतो, देवीची पूजा अर्चना करतो, तसंच इकडचा आमचा हिंदू समाज 9 दिवस इथे देवीची पूजा अर्चना करतो, पण इथे आजूबाजूला काही जिहादी मानसिकतेचे हिरवे साप वळवळत आहेत आणि त्यांना वाटतंय की हा त्यांचा अब्बांचा पाकिस्तान आहे, आणि इथे येऊन आमची नवरात्री 9 दिवस साजरा पण कधी कधी ते करायला देत नाही, 2-2 दिवस कधी कधी ह्या लोकांना त्यांच्यामुळे बंद ठेवायला लागतं। ह्या भागातला हिंदू जो पहिला 70-80% होता, आज 50% आलेला आहे, तर म्हणून माझ्या इकडच्या हिंदू समाजाला त्यांचं मनोबल वाढवावं, त्यांनाही कळावं की आम्ही सगळे जण हिंदुत्ववादी विचारचे सगळे कार्यकर्ते इकडच्या हिंदुत्ववादी समाजाच्या बरोबर आहोत, हिंदू समाजाच्या बरोबर आहोत, आणि आपण आपल्या हक्काचं हिंदू राष्ट्र इथे कुठेही सोडून जाऊ नका, सोडायचं असेल तर या हिरव्या सापांना त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये जाऊन दे, तुम्ही इथून जायचं नाही। आणि यापुढे मी पुलिस प्रशासनाला पण सांगेन, जसा त्यांच्या ईदच्या मिरवणुकीमध्ये माझ्या इकडचा हिंदू समाज कुठलेही व्यत्यय आणत नाही, कुठलेही अडीअडचण आणत नाही, तसा माझ्या 9 दिवसच्या इथे नवरात्रीमध्ये या पुढच्या काही दिवसामध्ये कोणीही अडचण आणली तर या पुढची महाआरती त्यांच्या मस्जिदीच्या समोर होईल, एवढा मी शब्द देऊन इकडल्या पोलिसांना प्रशासनाला म्हणून परत इकडच्या माझ्या हिंदू समाजाला कोणीही दबाव आणि कुठलीही भीती आणि कुठलीही दादागिरी करायचा प्रयत्न केला तर आज तर फक्त सांगून आलो आहे, पुढच्या वेळी त्यांच्या थेट मोहल्ल्यामध्ये जाऊन उभा राहून महाआरती करून येईन, म्हणून जास्त वळवळ करायचं नाही, जेवढं आहे तेवढ्या लायकीमध्ये राहा, एवढा संदेश देण्यासाठी आलेलो आहे। सगळ्या हिंदू समाजाने मोठ्या ताकदीने आणि उत्साहाने तुमचा नवरात्र इथे साजरा करावा, एवढंही माझ्या हिंदू समाजाला संदेश देण्यासाठी आलेलो आहे। काय मुस्लिम समाजाचे नेते आहे आणि ते म्हणताय की भाजपमध्ये आहे आणि त्यांच्या प्रयत्न आहे की बोल सांगताय की त्यांच्यामुळे आम्हाला त्रास होतो आहे, आम्ही मुस्लिम समाजामध्ये जाऊ शकत नाही, म्हणून आम्ही काहीतरी विचार करणार। मी माझ्या हिंदू समाजाबद्दल विचार करतोय, मी माझ्या हिंदू समाजाची बाजू घेतोय, ज्याला जे वाटायचं आहे ते वाटू शकतात, ज्यांना जे छटके लावून अंगावर घ्यायचे ते लावू शकतात, तो माझा विषय नाही। संभाजी भिडे यांनी सांगितलं की जे हिंदू समाज आहे ते महामूर्ख आहे, म्हणजे दांडिया आहे, दांडिया। मी आज हा विषय माझ्या इकडच्या हिंदू समाजाचा महत्त्वाचा आहे, त्यांना ताकद देण्यासाठी आलेलो आहे, या संबंधित काही प्रश्न असतील तर कृपया विचारा। भाजपा 140 जागा लढणार आहे, भाजपा जय श्रीराम। उसका अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी महाआरती कर सकता हूँ, और अगली बार मेरे इधर के हिंदू समाज को नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा,
इतना अवलंबन समझना चाहिए। जय श्री राम बोलायला बोलू सर। आपने यहाँ का कुछ प्रश्न विधानसभा में उठाया था जहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर और डबल मंजिले घर बन रहे हैं, कई मुद्दे आपने उठाए थे, क्या कहेंगे? कार्रवाई होगी उसके ऊपर, प्रोसीजर चालू है सर। जब भी तोड़ने के लिए बुलडोजर आएगा तो भी पहला फोन आपको करूंगा सर। आप पहले सेक्युलर थे सर, मेरा खून भगवा है मुसलमानों के साथ, मेरा खून भगवा है, बैठते थे उठते थे, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत। मेरे को राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं, यहाँ रह के मेरे आके नवरात्रि में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। मगर जो आके इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। सर, चलो, क्यों लगता है आपको जिहादी है यहाँ पर? यहाँ पे तो सब मुसलमान, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब ऐसा है ना, ऐसा है तो फिर इन लोग को नौ का नौ दिन नवरात्र मनाने दो। इधर तुम्हारे ईद के टाइम पे हम लोग तकलीफ नहीं देते, तो हमारे नवरात्र के टाइम पे भी तकलीफ नहीं दे रहे, वरना ईद के दिन तभी पथराव होना चालू होएगा ना, ये सवाल भी पूछ नहीं पाएंगे। चलो, जय क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूजुर रहमान अंसारी, चीता केम जमीयतुल उलमा का नायब सदर। हाँ अमीनुल साहब, आज यहाँ पर नीतीश राणे साहब मंदिर में पूजा करने आने वाले हैं, जिसपे यहाँ के मुसलमान समुदाय के लोगों ने शिंदे साहब, सीनियर साहब से मुलाकात करी, उनसे आश्वासन दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आने के लिए किसी को भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी के लिए आने और जाने के लिए कोई मना ही नहीं है। आप यहाँ आओ, आपके मंदिर की आस्था है, आप आओ, अपनी पूजा करो और जो करना है वो करो और चले जाओ। यहाँ पर आकर के चीता गेम के अमन और शांति के माहौल को ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। हमारे चीता गेम का ये रिकॉर्ड रहा है कि 92 जैसे फसाद के अंदर भी हमारे चीता गेम के अंदर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी दरार नहीं आई है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आवे और अपनी पूजा करें और चले जाएं। बराए करम चीता गेम के माहौल को ख़राब करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है चीता गेम पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर से कि वो जहां तक हो सके मामले को जो है तो अकल के साथ में हल करें और चीता गेम के अंदर जो है तो अमन के माहौल को ख़राब होने से बचावे। अभी यहां की पार्टियों ने सीनियर सर से मिलकर उनको पत्र व्यवहार किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहां पर कुछ नहीं होगा, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो इसके ऊपर कायम रहने की कोशिश करे। वैसे तो दिखाई ये देता है कि हुकूमत कहती कुछ है और करती कुछ और है। मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर जब वो इश्तियाल अंगेज कोई अगर नारा लगाता है या कुछ भी अगर बात बोलता है तो वो इनकी जिम्मेदारी बनती है चीता गेम पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर की कि वो इस चीज़ को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करे, जिस तरीके से भी हो सके, चाहे वो जुबान से रोके चाहे वो हाथ से रोके। मैं कुछ भाई नीतीश आने की खबर को लेकर जो है चीता गेम के जो नौजवान काफ़ी जो है एक फिक्रमंद हो चुके हैं और इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कि नीतीश राणे के आने की वजह से जो है कुछ यहाँ पे मसला ना हो जाए, तो नौजवानों को क्या कहेंगे आप? बेचैनी का आलम पूरे तरीके से चीता गेम के अंदर है। चीता गेम के अलावा जहाँ पर भी नीतीश राणे गया है मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी किया है और जो हो सका है उसने मुसलमानों के खिलाफ ही बोला है। यहाँ तक कि उसने अभी एक स्पीच दिया, उसके अंदर बोला है 15 मिनट के लिए पुलिस वालों को 15 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए हटा दो, इस तरीके के जुमले उसके रहे हैं। तो यहाँ आकर के भी अगर वो ये चीज़ करेगा तो फिर चीता गेम के नौजवान जो लोग हैं वो अपने आप को अगर संभाल नहीं सके तो पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से अब प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? बस यही मांग करना चाहते हैं कि चीता गेम के अमन के माहौल को ख़राब होने से बचावे, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो नीतीश राणे के लिए बोल रहा है कि इसकी स्पीच सिर्फ मुसलमान ही सुन रहा है, जिसको ये सुनाना चाह रहा है बीजेपी को ये सुन रही नहीं है बीजेपी। तो हमारे जो भी सीएम साहब है, उप सीएम साहब है, इनसे रिक्वेस्ट है 15 दिन बचा है आचार संहिता से पहले दी जाए ताकि ये सियासत, इनकी बोलने की सियासत खत्म हो जाए। तो भी करके हमारे को, हमारे साथ में एडवोकेट साहब है और हमारे सब भाई लोग भी हैं, मजीद भाई है, अपने वजीर भाई है और भी सत्तर भाई है, सब लोग हमारे साथ में यहाँ पे चीता गेम में। हम लोग ने लेटर दिए, इन्होंने आश्वासन दिए ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं यही बोलूँगा। नीतीश राणे जी के पिताजी नारायण राणे साहब 15 साल कांग्रेस पार्टी में मंत्री रह चुके, तब ये चीज़ मुद्दा नहीं उठाया गया, आपकी ये मुद्दा उठाया जा रहा है? वो मुद्दा अब इसके लिए उठाया जा रहा है भाई, बीजेपी यहाँ से हार रही है, महाराष्ट्र से क्लीन चिट हार रही है, महाराष्ट्र की सरकार इनकी जा रही है, तो इनको हिंदू वोट चाहिए, इसके लिए हिंदू को अपने तरफ खींचना चाहते हैं और मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिली है कि नीतीश राणे पे कई एफआईआर दर्ज है, लेकिन उनको ऊपर से है ना कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो पुलिस अगर चाहे ना तो एक मिनट में
उसकी हड्डी पसली तोड़ देगी। आपने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के शिंदे से सीनियर पीआई शिंदे सर से मुलाकात की, उस बारे में उन्होंने आपको क्या आश्वासन? उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग होने नहीं देंगे, बेफिक्र रहो आप लोग। हमारे साथ में एडवोकेट ने भी एक लेटर दिया है, मेरी एक पावर ऑफ यूनिटी सेवा संस्था है, हम लोग ने भी डीसीपी और सीनियर साहब को है ना, दोनों को है ना लेटर डिस्पैच किए और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। पूरे मामले पर आज आप ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से मुलाकात करने आए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, नीतीश राणे के यहाँ पे जो आने की खबर मिली है और उनके ऊपर जो कम्युनल वायलेंस के बहुत जगहों पे जो है हेट स्पीच के केस रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर हुई है, लेकिन उनके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें जो है किस तरीके का प्रेशर है अभी ये प्रशासन ही जाने। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का चिताकेम का माहौल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। शिंदे साहब जो यहाँ के सीनियर हैं, इन्होंने जब से यहाँ का चार्ज दिया है हर तरीके से इन्होंने जो है ना ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के जरिए बहुत सारी चीज़ों की मदद की है। अब हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल किसी भी तरीके से ख़राब होए। यहाँ के हमारे बहुत सारे मुसलमान जो है गरीब तबके के लोग हैं, हिंदू लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली बेसिस पे जाके अपना रोज़गार कमाते हैं, और ये अगर कोई ऐसा कोई माहौल ख़राब होता है जिसके वजह से इनके कारोबार के ऊपर धंधा इनके चीज़ों के ऊपर तकलीफ़ आएगा, तब इनका कौन देखने वाला है? और जो यहाँ पे डेली जो है लोग यहाँ से बाहर जाके यहाँ से अंदर आके कमाने वाले लोग हैं, जो चिताकेम से बाहर भी जाते हैं और चिताकेम के अंदर भी आते हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर कौन देखेगा? इसीलिए हम लोग ने सीनियर साहब को ये बोलने आए थे कि सर ये माहौल संभालना आपकी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे हम लोग वो पूजा करने आ रहे हैं, वो पूजा करेंगे और चले जाएंगे, और बाकी जो भी माहौल का है हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोग ख़राब होने से रोकेंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसे कि हर बार हम लोग ने देखा है कि नीतीश राणे के खिलाफ कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन आज तक के उनको अरेस्ट करने का काम नहीं हुआ है। अरेस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से उसका साथ दे रही है, क्योंकि सेंट्रल में और स्टेट में भाजपा की सरकार बैठी है और भाजपा वाले चाह रहे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो जाए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जैसे कि लोकसभा में उन्होंने 400 पार के नारे लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 240 पे आके अटक गए। अब उनको ये एहसास हो चुका है कि महाराष्ट्र से उनका सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होने वाला है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि चीता कैंप, ट्रॉम्बे, पहलीपाड़ा, ये एक ऐसी गांव है जो हर वक्त एकता की मिसाल पेश किया है। 92 के राइट्स में भी हमने देखा है, जो पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा था, तब यहाँ के सीनियर को अवार्ड मिला है क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगा। तो चीता कैंप, ट्रॉम्बे, पहलीपाड़ा जो है ना एकता की मिसाल पेश करने के लिए हमेशा काम आया है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने आज वातावरण खराब करने के लिए उनको बुलाया गया है नीतीश राणे को। तो मैं चाहूँगा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन जो ऐसी संस्था है वातावरण खराब करने के लिए काम कर रही है, उन संस्थाओं पे सबसे पहले एक्शन लिया जाए। और अगर नीतीश राणे यहाँ आकर, हम लोग ने सीनियर साहब को साफ साफ तौर पे बोल दिया है, नीतीश राणे अगर यहाँ आकर कुछ भी वायलेंस किया और या कोई भी हेट स्पीच की और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिगड़ता है, तो उसकी जिम्मेदार ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन होगा और ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला उसको दिखाना पड़ेगा कि हमने ट्रॉम्बे में नीतीश राणे जो पूरे महाराष्ट्र का वातावरण खराब किया उसको अरेस्ट करने का काम करेंगे। तो हम